तो हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल वेलकम टू द क्लास दिस इज़ आर crash course कोर्स ऑन करंट अफेयर्स बेसिकली ऑलरेडी आपका एक जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें स्टैटिक पोर्शन स्टैटिक पोर्शन स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे हम करंट अफेयर का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे एंड uh, कुछ बेसिक जो डाउट रहते हैं पहले उन्हीं पे बात कर लेते हैं देखिए करंट अफेयर की अगर हम चर्चा करें तो इम्पॉर्टेंस क्या है आई होप आप सभी को इम्पॉर्टेंस पता होगा यू uh, पी की बात करें या कोई आप स्टेट पी का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो वहाँ पे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेकिन यू की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि मेंस में भी आ रहा है हर पेपर में हर सब्जेक्ट में करंट अफेयर आ रहा है और प्रॉब्लम्स के अंदर भी है थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि कवरेज uh, हमें एक तो यू स्पेसिफिक करना है कई जगह पे फैक्ट है तो फैक्ट को याद रखना पड़ेगा कहीं पे कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी जहाँ पे कॉन्सेप्ट डोमिनेट करेंगे अलोंग विद फैक्ट्स वो भी हमें ध्यान रखने हैं तो उसी परस्पेक्टिव से करंट अफेयर का एक कोर्स हमने तैयार किया है और आप देखोगे कि लास्ट ईयर भी इस तरह से क्रैश कोर्स हमने किया था लास्ट टू लास्ट ईयर भी वो क्रैश कोर्स था काफ़ी पॉपुलर हुआ था काफ़ी हेल्प मिली थी बच्चों को क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है चैलेंजिंग इन द सेंस कि आपको डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ना है यहाँ पे कोई एक सोर्स नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉपुलर सोर्सेज की बात करें तो कोई भी एक न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए जैसे हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है क्लियर लेकिन एग्जाम के परस्पेक्टिव से हमने यहाँ पे दोनों पेपर्स को न्यूज़पेपर्स को कवर किया है पी एक है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अगर आपने नाम सुना हो तो टॉपिक्स वहाँ से भी हमने कवर किए हैं क्योंकि पी एक तरह का ओरिजिनल सोर्स है जहाँ पे जो जित गवर्नमेंट की जितनी भी मंत्रालय हैं उनकी प्रेस ब्रीफ आती है और वहाँ से न्यूज़पेपर न्यूज़ news लेते हैं तो कई बार क्या होता है ऐसी न्यूज़ जो हमारे एग्जाम के काम की है लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर वो नहीं है तो वो सारे सोर्सेज हमने यहाँ पे कवर किए हुए अब आप देखोगे थर्टी फर्स्ट जनवरी जो है इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा फिर फेबररी के अंदर हमारा बजट आएगा तो बजट इकोनॉमिक सर्वे इस साल की प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो कॉन्सेप्ट होंगे वो तो किसी भी साल आप अपीयर कर रहे हैं इन ऑफ द ईयर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वो भी हम कवर करेंगे तो अभी हमारा क्या हो रहा है करंट अफेयर हम क्या करेंगे सब्जेक्ट वाइज करेंगे फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं एनवायरमेंट ठीक है इसके बाद आपका होगा इकोनॉमी क्लियर एनवायरमेंट है इकोनॉमी है फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा फिर पॉलिटी है आई है इस तरीके से पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन और फिर जो भी आपका आ रहा है इस तरीके से करंट अफेयर हमारा चलेगा और इसमें आप देखोगे काफी कॉम्प्रिहेंसिव हमारा कवरेज रहेगा जनरली क्या होता है आप जिस साल एग्जाम अपीयर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे 2023 में एग्जाम दे रहे हैं है ना 2023 में आपको एग्ज़ाम देना है तो आइडियली मतलब ये मिनिमम है कम से कम आपको जनवरी 2022 से करंट अफेयर को कवर करना है तो साल 2022 पूरा हो गया 2022 का पूरा करंट अफेयर हो गया 2023 में एटलीस्ट आप अप्रैल तक करो अप्रैल मई तक हम मान रहे हैं तो इतना करंट अफेयर कम से कम डेढ़ साल का आपका होगा लेकिन ये जो करंट अफेयर का कोर्स है यहाँ पे हम कुछ करंट अफेयर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम जाएंगे दो साल तक के करंट अफेयर्स में क्यों जा रहे हैं रीजन क्या है क्योंकि आप देखोगे यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम देखते हैं तो जनरली हमें मिलता है कि हाँ जनरली दो साल की जो एक टाइम है उसको वो टच करता हुआ घूम रहा है क्लियर तो उसी परस्पेक्टिव में रहेगा ये जो पूरा कोर्स है किस तरह से रहेगा एक तो आपकी ये जो क्लास है तीन बजे होगी दोपहर फाइन तो एक तो ये टाइमिंग नोट कर लो तीन बजे ये क्लास रहेगी और इसके अंदर जो भी क्लास का लिंक होगा क्लास के बाद का पीडीएफ है ठीक है क्लास की टाइमिंग या कोई भी चेंज है तो उस सब के लिए ये टेलीग्राम चैनल है ये टेलीग्राम नाम डाल के ढूंढ सकते हो ये लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है इसको आप ज्वाइन कर लेना इसके अलावा क्या होता है मॉर्निंग में इसी चैनल पे सात बजे लगभग एक हमारी क्लास होती है डेली न्यूज़ एनालिसिस डी एन ए की क्लास होती है जहाँ पे हम हिंदू इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं तो ये तो एक क्रैश कोर्स की तरह हो गया ऑब्वियसली केवल प्रलिम्स टारगेट कर रहे हैं लेकिन जो बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे 2024 में आपको देना है 25 में देना है जो भी है तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स भी होते हैं जो आपको डेली पढ़ने चाहिए उनका एनालिसिस आपको आना चाहिए ताकि आप इंटरव्यू के अंदर मेंस के अंदर अपने आंसर लिख सको ऐसे अटेम्प्ट कर सको तो उस परस्पेक्टिव से डेली करंट अफेयर पढ़ना फ़ायदेमंद है डेली न्यूज़पेपर पढ़ना एक ऐसी हैबिट है जिसके बिना आप एग्ज़ाम भी क्रैक नहीं कर पाओगे या बहुत बहुत मुश्किल होगा आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में फ़ाइन तो अगर चाहते हो कि एग्ज़ाम मेरा ईजी मुझे ईजी लगे एग्ज़ाम कौन बच्चा नहीं चाहता कि मुझे एग्ज़ाम ईजी लगे पेपर मुझे ईजी लगे पेपर पढ़ते ही दिल खुश हो जाए कि हाँ ये तो सब पढ़े हुए में से आए तो आ, आप एक काम करो या जो बच्चे करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं जो पुराने बच्चे हैं मुझसे एग्री करेंगे अगर कोई बच्चा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप एग्री भी करोगे कि करंट अफेयर में बहुत सारे टॉपिक बहुत सारे इश्यूज हमने लिए हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए इस साल जो मीन्स का पेपर था वहां पर आपने देखा होगा प्रलिम्स में भी लगभग अराउंड थर्टी फाइव क्वेश्चन मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था तो उसके रेफरेंस सोर्स है ना कब कवर किया है डेट वो सब मैंने आपको वहां पर दिया था. सो यू विल डेफिनेटली एग्री कि हाँ करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है है ना लेकिन जहाँ पे मेहनत है थोड़ा सा तो वहाँ पे रिजल्ट भी आपको मिल रहा है तो डेली बेसिस पे ये एक ऐसी चीज़ है जिसको डेली जो खुराक होती है ना हमारी खाना डेली खाना होता है उसी तरह से तो मैगजीन वगैरह पे आप रिलाई कर सकते हो लेकिन उसके लिए रिविज़न और एक्स्ट्रा कवरेज के बेसिस पे रखो बाकी डेली करंट अफेयर कवर करना है तो ये सुबह वाली क्लास है इस क्लास को शुरू करेंगे आगे मैं बड़ू उससे पहले बता देता हूं कि हम पहले एनवायरमेंट के करंट अफेयर लेंगे फिर इकोनॉमी पे जाएंगे फिर साइंस एंड टेक पे जाएंगे इस तरीके से ये हमारे चलेंगे क्लास अभी आपकी दोपहर में तीन बजे रहेगी जैसे आज तीन बजे है तो कल भी तीन बजे क्लास रहेगी किसी भी तरह के डाउट और किसी भी तरह के अपडेट के रिगार्डिंग ये टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप मुझसे जुड़ सकते हैं शुरू करते हैं काफी सारे टॉपिक्स आज हमारे पास है किस तरह से कवर करना है ये भी एक सीखने वाली चीज है वो भी आपको सीखना है सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी किस तरीके से अप्रोच करना है करंट अफेयर को क्योंकि प्रॉब्लम्स में ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है फाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है उनको आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेड प्रॉब्लम्स के लिए जा रहे हो क्लियर जहाँ पे एनालिसिस है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स में भी इंपॉर्टेंट है तो वो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा किस तरह से हम टारगेट कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ेंगे और फ्री स्पेशल क्लास हैं तो कल से एक चार बजे हम एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फ्री क्लास सेशन होगा मतलब इसी सेशन के बाद हम उसे रख लेंगे तो चार बजे एक क्लास स्टार्ट होगी जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी आपके सिलेबस का पार्ट है प्रॉब्लम्स में लगभग बीस क्वेश्चन आते हैं पिछले तीन चार साल से तो लगभग आ ही रहे हैं और आप यहाँ पे देखोगे मेन्स में भी लगभग एक सौ से एक नंबर का पेपर यहाँ से आ रहा है तो वो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे वो चार बजे क्लास कल से आपकी मिल जाएगी उसको यहाँ पे आपको लेना है चलिए शुरू करेंगे आ, कुछ टॉपिक्स हमारे पास है टॉपिक देखो किस तरह से करना है आपको आप अपना जो भी नोट्स बना रहे हो बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं ऑलरेडी यहाँ पे जो भी कंटेंट है हमने उसको फिल्टर किया हुआ है कंटेंट को फिल्टर किया हुआ है इन द सेंस ऑब्जेक्टिव वे के अंदर कंटेंट लिया हुआ है किस तरह से पूछता है जहाँ पे फैक्ट इंपॉर्टेंट है फैक्ट ले लिया तो टॉपिक आपको जैसे ये चार चार्क स्ट्रीम लिखा हुआ है चार्क स्ट्रीम टॉपिक डाल लिया उस पर दो लाइन जो भी हैं फिर आप देखोगे हाँ जीएम मॉडिफाइड रबड़ है ये न्यूज में इसको लिख लिया रेड सेंडर रक्त चंदन है इस तरह से ये टॉपिक्स आपको लिखने हैं तो आज की क्लास में कोशिश करेंगे लगभग पंद्रह के आसपास टॉपिक हमारे हो जाएं तो इसी तरह से हमारी ये सेशन स्टार्ट हुई सुशांत हैं सुशांत एग्री कर रहे हैं आई थिंक आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो और आपने पेपर देखे होंगे उस सेंस में आप यहां पे एग्री कर रहे हैं थैंक्स uh, चंदना चलिए शुरू करते हैं सो आर यू रेडी अपना जो uh, कॉपी पेन है वो लेके बैठ जाओ रेड सेंडर रक्त चंदन है तो न्यूज uh, में क्या होता क्योंकि इसकी जो स्मगलिंग है उसके रिगार्डिंग चर्चा थी थ्रीट परसेप्शन यहाँ पे बना हुआ है रक्त चंदन को लेके तो ये जो चंदन है ये जो सुगंध वाला सैंडलवुड होता है चंदन उससे अलग है पहले तो ये जानना फाइन और इसको बोलते हैं टेरो कार्पस सेंटालिनस टेरोपस सेंटा लिनस ये करंट अफेयर 2024 वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि काफ़ी सारे करंट अफेयर के टॉपिक होंगे जो ओवरलैप करेंगे है ना जो इस साल नहीं पूछ रहा है तो उनमें से कुछ टॉपिक अगले साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है तो 2023 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही 2024 के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है इसके अलावा स्टेट पी के जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा सेंट्रल कार्पास इसका नाम है क्या पूछेगा अच्छा कहाँ मिल रहा है क्या नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा है साउथ इंडिया में मिल रहा है या फिर ईस्टर्न घाट में है वेस्टर्न घाट में है तो इसमें ध्यान रखो ये ईस्टर्न घाट में मिल रहा है स्पेशली आंध्र प्रदेश के जो कुछ जंगल हैं कुछ हिल्स हैं पालाकोंडा शेषाचलम हिल्स है इनका नाम याद रखना इस पर भी यूपीएससी ने प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन पूछ रखे हैं तो ये ट्रॉपिकल ड्राई एसिड्यूस फॉरेस्ट है पतझड़ी वन है और पालाकोंडा शेषाचलम हिल में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रक्त चंदन की हमें मिलती है आंध्र प्रदेश में तो क्या पता चल रहा है ईस्टर्न घाट में है अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट जहां पे भी एंडेमिक लिखा हुआ आ जाए उसका मतलब है कि ये और कहीं जनरली नहीं मिल रहा है क्लियर और कहीं पे ये नहीं मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है एंडेमिक है मतलब यहीं पर कंसनट्रेटेड है इसमें यह ध्यान रखना हाँ कुछ मात्रा के अंदर आपके केरल तमिलनाडु में भी ये पाया जा रहा है केरल तमिलनाडु कर्नाटक में भी कुछ मात्रा में है सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट वाले एरिया में यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन मिलती है और क्या ध्यान रखना है आ, किस तरह का इसको सॉइल चाहिए कल्टिवेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो रेड सॉइल चाहिए और क्लाइमेट इसको हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए और ये क्या होंगे ये जो लिखी हुई है चीजें ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में पुट करेगा है ना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करके दो स्टेटमेंट आपको आ, इस तरह से देगा और फिर उसमें इसी तरह के ऑप्शन लिखे जाएंगे अब इसमें यह ध्यान रखना जो चंदन जिसकी सुगंध आती है जिसके लिए चंदन को जाना जाता है सैंडलवुड वो वाला सैंडलवुड ये नहीं है ये एरोमेटिक नहीं होता है इसमें कोई सुगंध नहीं आ रही है क्लियर जो सुगंध वाला चंदन है वो है सेंटल हम सैंडलवुड जिसके अंदर सुगंध आती है मतलब एरोमेटिक है ये एरोमेटिक यहाँ पे नहीं है यूजेज इसके क्या है इसके यूज हैं हर्बल मेडिसिन में काफी सारे यूजेज इसके हैं बार इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बस ये ध्यान रखो हर्बल मेडिसिन में यूज हो रहा है और हर्बल मेडिसिन में लगभग जो जनरल एलिमेंट्स हैं या क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर सब ये यूज़ होता है बुखार के अंदर हो गया इन्फ्लामेशन सूजन वगैरह कम करने के अंदर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए आई यू सी एन के अंतर्गत इसको नियर थ्री कैटेगरी के अंदर रखा गया है ओके नियर थ्री कैटेगरी में रखा है मतलब अभी थ्री वाली से बाहर है थ्री वाली में होगा मतलब वल्नरेबल होना चाहिए या फिर एंडेंजर्ड होना चाहिए या फिर क्रिटिकली एंडेंजर होना चाहिए तो ये तीनों से बाहर है सो दिस इज अ काइंड ऑफ गुड थिंग सरकार ने इसको इस तरह से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रखा है और साइट्स का जो शेड्यूल है साइट्स क्या है एक तरह का कन्वेंशन है जो भी वाइल्ड लाइफ है चाहे प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उनका जो ट्रेड है उसको रेगुलेट कर रहा है तो उसके शेड्यूल्स टू के अंदर भी इसको मेंशन किया गया है ये कुछ चीज़ें आपको रक्त चंदन रेड सेंडर्स के बारे में ध्यान रखनी है सेकेंड आते हैं चौक स्ट्रीम चौक स्ट्रीम क्या होती है देखो चाक जो है एक तरह का क्या है सेडिमेंट्री रॉक है पॉरस सेडिमेंट्री रॉक है डॉट डॉट से होते हैं और सिंस ये पोरस है तो होगा क्या जो ग्राउंड वाटर है ना वो कहीं ना कहीं परकोलेट करेगा इन चौक जो आपकी ये रॉक्स हैं वहां से और फिर सरफेस के ऊपर इस तरह से आ जाएगा तो चाक स्ट्रीम कहाँ पे मिलती हैं जनरली इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं और ये डाउन टू अर्थ में इसको लेके डाउन टू अर्थ एक मैगज़ीन है जिन बच्चों को नहीं पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है है ना एनवायरनमेंट के परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होती है तो आ, ये कह रहे हैं चाक स्ट्रीम जो है वेयर चाक बैड रॉक मीट द अर्थ सरफेस जहाँ पे चाक जो बैड रॉक है अर्थ की सरफेस से मीट कर रही है वहाँ पर ये चाक स्ट्रीम बनती हैं कोई ऐसा बहुत बड़ी नदी टाइप नहीं है स्ट्रीम्स हैं छोटी छोटी होती हैं ये जैसा आपको दिख रहा है ना और कई बार होता यह है कि गर्मियों के अंदर कई कुछ चैनल्स ड्राई भी हो जाती हैं ये भी कुछ केसेस में बनता है लेकिन कुल मिला के बात यह है ये जो चाक स्ट्रीम है क्लियर ये बहुत सारी बायोडायवर्सिटी को हार्बर करती है बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म या बायोडायवर्सिटी है इन चाक स्ट्रीम्स के अंदर इस तरह से रहते हैं इसलिए आप देखोगे कई जगह पर इसको इंग्लैंड के रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है रेन फॉरेस्ट वो हमारे एक तरह से आप समझिए उस तरह के लैंडस्केप है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है है ना नंबर ऑफ स्पीशीज और ये सबसे ज्यादा है तो चाक स्ट्रीम जो है सबसे ज्यादा आपकी आ, लंदन में मिल रही है और ये बहुत रेयर हैं आप देखोगे और ऑन पूरे ग्लोबल लेवल पर लगभग तीन सौ स्ट्रीम्स ही हैं सबसे ज्यादा इंग्लैंड में है तो ये चौक स्ट्रीम कहाँ मिल रही है किस तरह से ये थोड़ा ध्यान रखो आ, इनका वाटर है फ्रेश वाटर है प्योर वाटर होता है क्लियर वाटर होता है बायोडाइवर्सिटी हार्बर कर रहा है ये सब चीजें न्यूट्रिय रिच होता है ओके तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आ जाए क्वेश्चन तो इसको ऐसा में समझना कि हाँ बिल्कुल सर के ऊपर से ही निकल गया इंग्लैंड के कॉन्टेक्स में डाउन टू अर्थ पे ये एक आर्टिकल था जिसके बारे में चर्चा की गई थी आगे हम बढ़ते हैं रिया पूछ रहे हैं साइंटिफिक नेम देखो साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट तो नहीं है जनरली लेकिन यहाँ पे जो रक्त चंदन वाला टॉपिक था उसमें साइंटिफिक नेम इसलिए डाला गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो है ना वो सुगंध वाला जो चंदन है पूजा में आता है उसको और इसको आप कंपेयर मतलब उसमें आ, वो ना हो तो बाकी वैसे रट्टा मार के उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है बस थोड़ा सा ध्यान रख लो उसको ऐसा नहीं है कि वो मेमोराइज़ होना चाहिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको रटने बैठो आप क्योंकि हमारे पास क्या है टाइम और अफर्ट दोनों लिमिटेड है हर चीज़ हम रट नहीं सकते तो स्मार्ट स्टडी हमें करनी पड़ेगी क्लियर थैंक यू प्रिया फॉर योर फीडबैक चलिए वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ जो है आसाम के अंदर इस तरह से प्लांट किया गया है किसने किया है रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट बोर्ड की तरफ से ही उसी के अंतर्गत काम करता है और रबड़ रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है इसने प्लांट किया है आसाम के अंदर वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो फॉरन जीन्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये ध्यान रखना वो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बाकी जीएम जैसे सरसों अभी न्यूज़ में था जीएम की डिबेट चल रही है तो वो साइंस एंड टेक में हम उसको डिटेल में लेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अभी के लिए इतना ध्यान रखो इसमें फॉरन जीन इंट्रोड्यूस किया गया है रबड़ प्लांट में अब रबड़ प्लांट हमें पता है कि इसको क्या चाहिए मॉइस्ट और वार्म क्लाइमेट चाहिए इसके कल्टीवेशन के लिए क्योंकि हर पौधे का एक नेचुरल हैबिटेट होता है जहां पे उसका कल्टीवेशन अच्छे से हो सकता है तो जो नेचुरल रबड़ है ये क्या है वार्म ह्यूमिड इसको क्लाइमेट चाहिए होता है अमेजोन फॉरेस्ट है और अगर ग्लोबल लेवल पर देखोगे साउथ ईस्ट एशियन नेशन जैसे हमारे पास में इंडोनेशिया है थाईलैंड है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रबड़ कल्टिटीवेशन किया जाता है तो अब दिक्कत यह है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी रबड़ कल्टिवेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो देखोगे पूरे रीजन को वन ऑफ द मेजर क्लियर अलॉन्ग विद सम सदरन स्टेट्स यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रबड़ कल्टिवेशन हो रहा है लेकिन दिक्कत यह है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर टेम्परेचर बढ़ता मतलब कम होता है कोल्ड काफ़ी हो जाता है तो जब टेम्परेचर यहाँ पे कम हो रहा है ये जो कोल्ड है इसको जो हमारा प्लांट है रबड़ प्लांट वो उसको विदस्टेंड कर सकता है नहीं कर सकता ना जो वेदर की तरफ से जो स्ट्रेस क्रिएट किया गया है उसको कितना ज्यादा वो कर सकता है तो उस परपस के लिए हमने ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एक रबड़ प्लांट यहाँ पे बना दिया और इसमें हमने जो जीन इंट्रोड्यूस किया है इस जीन का नाम ध्यान रखो और इसका परपस भी ध्यान रखो ये है आपका एम एन है ना मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड इसको शॉर्ट में एम एन कहते हैं तो हमने क्या किया है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ है इसके अंदर इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया अब ये जीन क्या करेगा जो पौधा है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रबड़ है उसको एक तरह से ज़्यादा रजिस्ट बनाएगा ताकि वो चाहे ड्रॉट हो या फिर कोल्ड हो उसके जो स्ट्रेस हैं इन्वायरमेंट रिलेटेड स्ट्रेस हैं उनको अच्छे से डील कर सके उस पर पौधे का ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा इससे क्या होगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर रबर कल्टिवेशन को बढ़ावा मिलेगा और इंडिया अभी अगर देखोगे पाँचवें छठे नंबर पे है ग्लोबल लेवल पे प्रोडक्शन हम देखते हैं रबड़ का तो लगभग पाँचवें या छठे नंबर पे हम हैं और अगर नॉर्थ ईस्ट में रबड़ प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा पूरे एरिया के डेवलपमेंट में है ना इनकम इंक्रीज होगी और उससे रिलेटेड इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ सकता है क्लियर ये सब चीज़ें तो ये आ, आ, इसके अलावा और जो प्रॉब्लम्स के लिए आपको ध्यान रखना है लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है इसमें केरल है तमिलनाडु है और कर्नाटक है देखिए आपको याद होगा मैंने लास्ट ईयर टी पढ़ाया था आपको है ना टी चर्चा में था और वो टी वाला टॉपिक हमने दो बार कवर किया था श्रीलंका की तरफ से टी एक्सपोर्ट वगैरह तो वहाँ पे हमने पढ़ा था इंडिया के कौन कौन से स्टेट है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है उस पर प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन था फाइन और वो कोई ईजी क्वेश्चन नहीं था उस पर भी कन्फ्यूजन था हालाँकि वो आंसर काफ़ी उसमें वैरी कर रहा है तो इसी तरह से ये रबड़ वगैरह इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे टी पे पूछ लिया हो सकता है इस बार रबड़ पे पूछ ले इस बार नहीं अगली बार पूछ ले तो ये ध्यान रखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट केरल तमिलनाडु कर्नाटक हैं और फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी काफी सारा जो प्रोडक्शन हो रहा है ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया वियतनाम मतलब साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ पे प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है इंडिया छठे नंबर पे यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं नाग छतरी नाग छतरी ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया और एक स्टडी आई एक साइंटिफिक स्टडी आई उसने बताया कि ये जो प्लांट है जिसको हम नाग छतरी कहते हैं ओके हिमलियाज में ये मिल रहा है और इसका नाम है हिमालयन ट्रिलियम हिमालयन ट्रिलियम ये नाम याद रखना है साइंटिफिक नेम याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है नाग छत्री और हिमालयन ट्रिलियम ये दो नाम याद रख रहे हैं एक रिसर्च आई और उसमें बताया गया कि ये जो नाग छत्री या हिमालयन ट्रिलियम है ओके okay, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं स्पेशली कुछ ऐसे आ, आ, इसके अंदर मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है एज को कम कर रहा है एंटी एजिंग एजेंट इसमें है हमारी उम्र को कम दिखाएगा मतलब हमें जवान दिखा सकता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा क्लेम है और सब चाहेंगे कि हाँ हमारी एज कम लगे और ये सब चीजें तो उसकी वजह से जब ये रिसर्च सामने आई इसका एक्सप्लोइटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्लियर और यहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी डिमांड बढ़ी तो इलीगल तरीके से लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया और फाइनली इसके एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क आ गया ठीक है उस वजह से ये चर्चा में था क्या पूछेगा इसके यूज अगेन कहाँ मिल रहा है फाइन चाहे प्लांट स्पीशीज हो एनिमल स्पीशीज और हम आगे करेंगे तो उनमें हमेशा ध्यान रखो उसका हैबिटेट ठीक है कहाँ पे मिल रहा है किस कंडीशन में मिल रहा है किस एरिया में मिल रहा है क्या उसका यूज़ है कोई विशेषता पर्टिकुलर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है अब ये क्या हो गया थोड़े से ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसको याद रखना पड़ेगा याद कब रख पाओगे कोई हम सुपरमैन तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया याद हो गया है कोई बच्चा एक बार पढ़ के वो साल भर याद रख सकता है कुछ चीज़ें आपने जितना पढ़ा है उसका बीस तक याद रख सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा दोबारा पढ़ना पड़ेगा रिवीजन करना पड़ेगा रिवीजन कब होगा जब आपने उसके नोट्स बना रखे हैं नोट्स बना रखे हैं तो छोटे से नोट्स बन जाएंगे सौ पेज दो सौ पेज तीन सौ पेज चार सौ पेज ये पॉसिबल है हमारे लिए है ना कि हम उसको दस बार पढ़ लें लेकिन अगर नोट्स आपने ऐसा कर लिया मान लो पी डी एफ कम्पाइलेशन कर लिया यहाँ से वहाँ से पता चला चार हज़ार पेज के नोट्स हो गए तो वो फिर पॉसिबल नहीं है आपने मेहनत करी है और चार हज़ार पन्ने इकट्ठे कर रहे फिर आपको डर लगेगा वो चार हज़ार पन्ने कि यार ये कैसे होगा वो काम मत करना तो अपने खुद के नोट्स बना लेना पॉइंट फॉर्मेट में बना लेना कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको नोट करते हैं एक हम क्लास ले लेंगे नोट्स कैसे बनाने हैं स्ट्रेटेजी सेशन के रूप में तो हिमालयन ट्रिलियम है इसको एंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है आई के द्वारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तो आई की रेड लिस्ट है जो क्या करती है कोई भी प्लांट है या एनिमल स्पीशीज है है ना उस उसपे थ्रीट परसेप्शन कितना है उसको एक चार्ट किया जाता है उस हिसाब से आप देखोगे इसकी जो रेड लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड कैटेगरी में है एंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब है कि इसके एग्जिस्टेंस को थ्रीट है अगर इसके एक्सप्लेटेशन uh, को नहीं रोका गया प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो क्रिटिकली एंडेंजर में चला जाएगा और फिर वाइल्ड में एक्सटिंक्ट होगा और फिर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट विलुप्त हो जाएगा जैसे आज डायनासोर या दूसरी स्पीशीज विलुप्त हैं तो डेफिनेटली इसको एंडेंजर डिक्लेयर किया गया क्यों किया गया क्योंकि इसके जो है एकदम से डिमांड बढ़ गई एक्सप्लोर्टेशन इन एक्सट्रैक्शन इसका बढ़ा क्योंकि एक रिसर्च आई जिसने कहा कि हाँ कैंसर और एंटी एजिंग एजेंट के रूप में इसको यूज़ होता है और इसके अंदर ये स्टीरोयडल सेपोनिन्स इस तरीके से मिलते हैं इसके जो राइजोम होते हैं है ना उसको इस तरह से यूज़ किया जा सकता है इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन में तो यूज़ कर रहे हैं अगेन वही कॉमन जो है चीज़ें होंगी डिसेंट्री इन्फ्लामेशन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स वगैरह वगैरह इसमें यूज़ हो रहा है कहाँ मिल रहा है ये जो भी हिमालयन स्टेट्स हैं जनरली स्पेशली जो है वेस्टर्न हमलियाज वहाँ पे हमारा मिल रहा है तो आप देखोगे हिमाचल है जम्मू कश्मीर लद्दाख सिक्किम उत्तराखंड इन एरियाज़ में ये आपका मिल रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो भी हिमालयन हमारे नेबर्स हैं तो वहाँ पर भी मिलेगा तो इंडिया के अलावा भूटान नेपाल चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी मिल रहा है ये इसका हैबिटेट हो गया टेम्परेट सब अल्पाइन जोन और ये एल्टीट्यूड है ऊंचाई है लगभग ढाई से चार हज़ार मीटर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसको याद रखें कौन कौन से स्टेट्स में मिल रहा है ये ध्यान रखें रीजन हमने देख ही लिया क्यों आ, इस पे एग्जिस्टेंस पे खतरा आ रहा है ये तो हम देख ही चुके हैं स्पेसिफिक हैबिटेट रिक्वायरमेंट इसकी है केवल इसी इसी एरिया के अंदर मिलेगा इतनी ही ऊंचाई पे इसी एरिया में मिल रहा है और कहीं पे नहीं मिल सकता और जिस एरिया में ये कल्टिवेट हो रहा है वहाँ पे भी लोगों ने इसको एक्सप्लेटेशन इसका कर रहे हैं मतलब आ, जितना भी कल्टिवेट हो रहा है उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन करना ये सब इसलिए यहाँ पे थ्रीटीज की क्रिएट हो रही है नेक्स्ट हम आएंगे वी हैव दिस जड़ी ये तो अभी भी न्यूज में था अभी रिसेंटली था और लास्ट ईयर अगर आप देखोगे जनवरी वहाँ पे भी इसकी चर्चा थी तो अगर आप करंट अफेयर अभी पढ़ रहे हो तो आई uh, थिंक अभी लास्ट टू लास्ट वीक हिंदू के फ्रंट पेज पे है ना हिंदू के फ्रंट पेज पे ये, ये आपको देखने को मिलेगा फ्रंट पेज की हम बात करें रूट्स कनेक्ट मेघालय विलेज जहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि ट्रेडिशनल जो उनकी स्किल है ये जो रूट्स होती हैं रबड़ प्लांट की जो रूट है उससे ये ब्रिजेस बना रहे हैं ना लिविंग रूट से जो ब्रिज है वो बनाया जा रहा है रूट तो आपने देखी होगी काफी बड़ी बड़ी होती हैं तो इसको लोकल लैंग्वेज के अंदर ज़री भी कहा जाता है और लिविंग रूट ब्रिज इसका नाम है बेसिकली जो रबड़ प्लांट होता है इंडियन रबड़ जो प्लांट है उसकी रूट से ये इस तरीके से बनाए जाते हैं कनेक्टिविटी इन्श्योर कर रहे हैं फ्लड लाइक सिचुएशन है कुछ भी है तो वहाँ पे एक तरह से एनवायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशन हो गया है ना कहीं कंक्रीट की किसी की ज़रूरत नहीं है और इससे आप बैम्बू वगैरह यूज़ करके थोड़ी सी स्ट्रेंथ देंगे और इस तरह से आप इसको बना दोगे जनरली कहाँ मिल रहा है मेघालय ये स्टेट का नाम ध्यान रखना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट का नाम तो मेघालय के अंदर स्पेशली जो खासी ट्राइब है वो इस तरह से जो ब्रिजेस हैं उसको बनाती हैं और अपनी जो भी नॉलेज है उसको इस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं ठीक है खासी जयंतिया जो ट्राइब है उसके भी कुछ लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं टेकिंग फॉरवर्ड द कल्चर ऑफ द ट्राइब दे फीड द आइडिया प्रैक्टिस द सस्टेनेबिलिटी तो ये सस्टेनेबल है एनवायरमेंट फ्रेंडली है और हमारी जो नीड है उसको भी पूरा कर रहा है चलिए आगे आप चीता री इंट्रोडक्शन ये एक ऐसा टॉपिक हम मान के चल रहे हैं जिसपे क्वेश्चन होना चाहिए इसी से रिलेटेड है चीता पे नहीं आ रहा लेपर्ड पे पूछ लेगा लेपर्ड भी न्यूज़ में था उसका सेंसस हुआ था सरकार बड़ी खुश थी कि लेपर्ड्स का नंबर बढ़ गया चीता इंडिया के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुका है आपको पता होगा 1952 के अंदर चीता को एक्सटिंग विलुप्त घोषित कर दिया था इंडिया के अंदर तो पहले इंडिया के अंदर चीता मिलता था ठीक है उसके बाद विलुप्त हो गया अभी वापस से भारत सरकार जो है अफ्रीका से यहाँ पे चीते लेके आई है ठीक है हाँ इसके लिए बिल्कुल आपके प्ले रहेगी कोर्स की प्लेलिस्ट तो रहेगी प्लेलिस्ट तो हर उस पर ही रहती है आपकी तो चीता री इंट्रोडक्शन ये ला रहे हैं और चलिए इसको देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें इसमें आपको देखनी है ए फिफ्टी टू में एक्सटिंक्ट हो गया अभी चीता वापस लाए हैं और वापस ला के कहाँ पर लेके गए कूनो पालपुर कूनो पालपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो नेशनल पार्क है सो यू हैव दिस एमपी ये राजस्थान है और राजस्थान एम की बॉर्डर पे कूनो पालपुर ये है इसी के आसपास आप देखोगे थोड़ा सा आगे तो रनथम्बोर जो नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व भी है वो आ रहा तो है तो यहाँ पे क्या है वाइड स्पर्स ट्री है डेसिडि फॉरेस्ट है डेंस फॉरेस्ट नहीं है तो चीता क्या होता है काफी तेज भागता है देखा होगा आपने नेशनल जोग्राफी पे और इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो ये जो कूनो पालपुर है वहां पर इनको लाया गया है आई की लिस्ट में वल्नरेबल ये है और अगर हम बात करें एशियाटिक चीता जो इंडिया में विलुप्त हो गया है एशियाटिक चीता लेकिन ईरान के अंदर कुछ मात्रा में मिल रहा है तो जो एशिया चीता है एशिया वाला जो चीता है उसको क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी में रखा है ये इंपॉर्टेंट हो जाए क्रिटिकली एंडेंजर कैटेगरी में है और एशियाटिक चीता केवल और केवल ईरान में मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है पहले इंडिया में था इंडिया में भी खत्म हो गया अब हम अफ्रीका से यहां से इस तरह से लेके आए वी हैव दिस नामी बी एंड ऑल तो ये आपको ध्यान रखना है और क्या इसमें ध्यान रखोगे कूनो पालपुर ध्यान रखो कौन से स्टेट में मध्य प्रदेश में ये इसके बारे में ध्यान रखिए ठीक है।, है और एशियाटिक और जो अफ़्रीकन चीता है उसका वेरिएशन ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैनमल है ना काफ़ी तेज़ ये इस तरह से दौड़ दौड़ रहा है चीता जो है ये एक तरह की फ्लैगशिप स्पीशीज़ भी है फ्लैगशिप स्पीशीज़ भी है फ्लैगशिप स्पीशीज़ क्या होती है फ्लैगशिप स्पीशीज़ होती हैं वो स्पीशीज़ जिनको जिनके माध्यम से हम एनवायरमेंट या उस स्पीशीज़ का कंजर्वेशन है ना उसको प्रमोट कर रहे हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं या फिर एक तरह से देखिए कंजर्वेशन जो एफर्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट को प्रमोट करना जैसे हम क्या करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर है है ना वो भी फ्लैगशिप स्पीशीज है तो उसके उस पर्टिकुलर एनिमल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि देखो इस स्पीशीज के प्रोटेक्शन की जरूरत है तो उसको हम फ्लैगशिप स्पीशीज कहते हैं तो फ्लैगशिप स्पीशीज क्या हो गया एक तरह का एम्बेसडर हो गया आइकन हो गया जो पर्टिकुलर हैबिटेट को डिफाइन कर रहा है जिसके माध्यम से हम पूरा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की मार्केटिंग कर रहे हैं यू कैन से दैट तो रॉयल बंगाल टाइगर हो जाएगा कहीं पे कुछ हो जाएगा जैसे चाइना में जाइंट जो पेंडा है वो हो गया कहीं पे पोलर बियर हो गया ठीक है कहीं पे एशियाटिक लॉयन हो गया गिर के जो लॉयंस हैं तो ये सब फ्लैगशिप स्पीशीज़ है इसको कंफ्यूज मत करना की स्टोन स्पीशीज़ से देखो इसमें तीन कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे हमने बात स्पीशीज की है फ्लैगशिप स्पीशीज़ की फ्लैगशिप स्पीशीज़ कोई भी हो सकती है किसी भी एरिया में क्लियर डिपेंड करता है किस एरिया के अंदर वो स्पीशीज़ जो है ज़्यादा पॉपुलर है और लोग उससे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं लोग जितना कनेक्ट कर पाएंगे उसी स्पीशीज़ को फ्लैगशिप स्पीशीज़ बना देंगे कि देखो इसका कंजर्वेशन एफर्ट आपको करना पड़ेगा ये सब चीज़ें की स्टोन स्पीशीज़ है ऐसी स्पीशीज़ जिसके जिसको अगर उस इकोसिस्टम से हम हटा देते हैं की स्टोन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज़ है जिस स्पीशीज़ को अगर हमने उस इको से हटा दिया तो पूरा का पूरा इको या तो कॉलेप्स कर जाएगा या फिर उसके अंदर बहुत ही बड़े चेंजेस होंगे है ना उस स्पीशीज़ को कोई दूसरी स्पीशीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। और जनरली आप देखोगे इन जनरल नॉट ऑलवेज इन जनरल प्रीडेटर्स होंगे टॉप लेवल पे जो फूड चेन है ये तो आपने पढ़ा होगा सबने फूड चेन होता है सबसे नीचे क्या है प्रोड्यूसर्स है प्रोड्यूसर्स हैं ठीक है फिर प्राइमरी कंज्यूमर हैं जैसे आप मान लीजिए डियर है या जो भी पेड़ों के ऊपर जीवित रहते हैं फिर सेकेंडरी हैं फिर टॉप प्रीडेटर्स हैं जैसे लॉयन हो गया या फिर हम लेपर्ड की बात करें इधर चीता की बात करें ये आ जाएगा पॉलर बियर आ जाएंगे क्लियर तो इन जनरल क्या होता है टॉप uh, प्रीडेटर्स होते हैं बट नॉट ऑलवेज और इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई प्लांट या फनजाई भी हो सकता है बट ज़्यादातर केसेस में एनिमल ही होता है और uh, जैसे हम मानते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने सवाना जो ग्रास लैंड है वहाँ से लॉयन की पॉपुलेशन को हटा दिया या चीता हटा दिया तो आप देखोगे वहाँ पे जो टॉप है उसको हटा दोगे तो जो भी वहाँ पे डियर हैं फाइन हिरन वगैरह एंटीलॉप्स और ये सब हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी उनकी पॉपुलेशन क्या होगा एकदम से बढ़ जाएगी अब पॉपुलेशन उनकी बढ़ जाएगी लेकिन वो जो पूरा ग्रास लैंड है वो इतनी पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता और वो कॉलेप्स कर जाएगा है ना या डिग्रेडेशन वहाँ पर होगा जो भी चीज़ें तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा बिकॉज वो बैलेंस की स्पीशीज ने रखा हुआ था तो अलग अलग जो लैंडस्केप है वहाँ पे अलग अलग होगा किसी जगह पे पॉलर बियर होगा किसी जगह पे टाइगर है कहीं पे लायन है क्लियर इस तरह से रह सकता है अगर आपको स्टेटमेंट में दे तो कन्फ्यूज भी कर सकता है कहेगा कि नहीं प्लांट नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता तो आप देखोगे कि जनरली एनिमल्स ही होते हैं ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ की स्टोन स्पीशीज़ आर एनिमल्स लेकिन यहाँ पे ये यह कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी इसकी भी है कि प्लांट से फनजाई तक कोई भी की स्टोन स्पीशीज़ हो सकता है जो स्टेटमेंट है हमने ऑथेंटिक तौर से लिया है ये नेशनल जियोग्राफिक स्टेटमेंट हमने उठा रखा है ऑफिशियल वहां से ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है और जनरल क्या होता है की स्टोन स्पीशीज की पॉपुलेशन कम होती है और इनका इंपैक्ट पूरे इकोसिस्टम पे ज्यादा होता है जैसे आप देखोगे टाइगर की पॉपुलेशन कितनी सी है गिन यहां ढाई हजार है तीन हजार है जो भी है इन कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स हिरन कितने हैं नहीं है इवन अगर आप नेशनल पार्क में भी जाओगे तो वहाँ पे भी एक्सपीरियंस ये होता है कि नेशनल पार्क में गए तो हैं लेकिन अब वहाँ पे टाइगर दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये आपके लक पे डिपेंड करता है क्लियर लक पे आपके डिपेंड करता है कि आपको टाइगर दिखा है या नहीं दिखा है हाँ वहाँ पे डेफिनेटली आपको बारह सिंगा है हिरन है ये सब दिखेंगे वाइल्ड पिंग है न लंगूर है ये सब आपको दिख रहा है इंडियन लेपर्ड पे आते हैं इंडियन लेपर्ड क्यों चर्चा में इंडियन लेपर्ड चर्चा में है क्योंकि सरकार की तरफ से सेंसस किया गया और सरकार कह रही है कि इंडियन लेपर्ड जो है ये तेंदुआ है इसमें और चीता में डिफरेंस ये ध्यान रखना चीता कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे हाँ भाग तेज सकता है लेकिन वेट के हिसाब से बल्क अगर हम देखें तो लेपर्ड का, का काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी डिबेट भी चली अगर इनकी लड़ाई करा दें तो क्या होगा क्या नहीं होगा तो एक्सपर्ट तो यही कह रहे हैं कि लेपर्ड जो है वो भारी पड़ जाएगा चीता के ऊपर क्योंकि काफ़ी हैवी होता है साइज इसका काफ़ी मस्कुलर होता है और लेपर्ड क्यों चर्चा में क्योंकि भारत सरकार ने इस तरह से जो इनकी नंबरिंग सेंसस करवाया उसके अंदर इनकी पॉपुलेशन 60 परसेंट से इंक्रीज हुई है कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है 60 परसेंट से पॉपुलेशन इनकी इंक्रीज़ हुई है इंडियन लेपर्ड की इसलिए ये चर्चा में आप देखोगे पहले लगभग 8000 के आसपास था दो में दो के बाद अभी लेटेस्ट जो इन्होंने किया है उसमें लगभग तेरह इनका नंबर आ रहा है ये भी गवर्नमेंट कह रही है कि मिनिमम है इससे ज्यादा ही होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैबिटेट हैं जहां पर हम इनका काउंटिंग नहीं कर पाए और ये जो पॉपुलेशन सिक्सटी परसेंट तक ये इंक्रीज हुआ है ये कैसे इंक्रीज हुआ है है ना इसके पीछे रीजन भी आएगा और रीजन आ रहा है टाइगर सरकार क्या कह रही है कि हमने जो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए जो प्रयास किया है उस वजह से लेपर्ड की पॉपुलेशन बढ़ी है क्योंकि टाइगर कंजर्वेशन के लिए हमने क्या कर रखे हैं टाइगर रिजर्व बना रखे हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एन बना रखा है और टाइगर कंजर्वेशन पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन उसको कर रखा है बहुत अच्छा सिस्टम इन्होंने बना रखा है सो so, uh, हुआ क्या कि हम टाइगर को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो टाइगर का डेफिनेटली जो हैबिटेट है उसको प्रोटेक्शन देना होगा भाई उसके रहने की जगह को प्रोटेक्ट करोगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी तो so, डेफिनेटली अगर आप टाइगर प्रोटेक्शन एंश्योर कर रहे हो तो उसी हैबिटेट के अंदर लेपर्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है तो लेपर्ड का प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली हो गया तो टाइगर क्या हो गया एक तरह की अम्ब्रेला स्पीशीज हो गया ये एक और हो गया अम्ब्रेला स्पीशीज इसको ध्यान रखना अम्ब्रेला रोल कौन प्ले कर रहा है टाइगर यहाँ पे प्ले, प्ले करता हुआ दिख रहा है तो ऐसे एनिमल जिनको रहने के लिए बड़े हैबिटेट की रिक्वायरमेंट है जैसे एलिफेंट भी एक तरह की अम्ब्रेला स्पीशीज़ है टाइगर भी एक तरह की अम्ब्रेला स्पीशीज़ है ठीक है लॉयन है वगैरह तो ऐसे एनिमल्स जिनको रहने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होती है तो ये अम्बरेला रोल प्ले करते हैं क्यों प्ले करते हैं क्योंकि अगर इनके हैबिटेट को प्रोटेक्शन किया जाएगा तो और दूसरे एनिमल्स जो उस एरिया में को एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके साथ रह रहे हैं उनका प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा तो हमने की स्टोन स्पीशीज पढ़ा फ्लैगशिप स्पीशीज पढ़ा और अब अम्ब्रेला स्पीशीज या अम्ब्रेला रोल किसे कहते हैं ये अम्ब्रेला स्पीशीज में कौन कौन आ सकता है ये ध्यान रखना है लेपर्ड की चर्चा और हम करें क्या ध्यान रखना है देखो लेपर्ड जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी में आपका रहेगा आई की वल्नरेबल वाली लिस्ट में आएगा और पॉपुलेशन uh, इसकी भी डिक्लाइन कर रही है ये सारे रीज़न तो आपको पता ही है किसी भी चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो कहीं पे भी अगर उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है उसके एग्जिस्टेंस को खतरा है तो सबसे बड़े रीज़न क्या होंगे या तो उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है जिस एरिया में वो रह रहा है वो एरिया कम हो रहा है क्लियर uh, या फिर कहीं पर पोचिंग है या फिर इलीगल एक्सट्रैक्शन हो रहा है प्लांट है तो या फिर इन्वेजिव स्पीशीज़ आ गई है ये कुछ मेजर रीजन है इन्वेजिव स्पीशीज मतलब नॉन नेटिव स्पीशीज है किसी बाहर की स्पीशीज है और वो कॉम्पिटिशन uh, कर रही है रिसोर्सेज के लिए सो दिस मच यू शुड नो ठीक है आगे हम आते हैं एक और न्यूज हमारे पास है और ये आ रही है अब स्नॉल लेपर्ड क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें है ना चीता आया अब लेपर्ड आया और अब आ रहा है स्नॉ लेपर्ड यू हैव द स्नॉ लेपर्ड गोस्ट ऑफ माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है बहुत शाही एनिमल है बड़ा मुश्किल से दिखाई देता है क्यों ये चर्चा में है क्योंकि लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है उसने स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड ये अडॉप्ट किया है तो इस वजह से ये चर्चा में है तो स्टेट जो एनिमल है उसमें तो आया है आपका स्नो लेपर्ड और स्टेट जो बर्ड है उसमें आया है ब्लैक नेक्ड क्रेन ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है ये केवल और केवल लद्दाख में इसकी जो नेक है ये आपको ब्लैक कलर की दिख रही है केवल लद्दाख में मिलता है और लद्दाख में भी जो एरिया है चांग था रीजन आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं चांग था जो रीजन है वहां पे मिल रहा है Uh, संजना एक बार क्लास आप शुरू से देखना मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया है कहाँ तक हम कवर कर रहे हैं मेजर फोकस रहेगा जनवरी 2022 से लेके अप्रैल और कोशिश करेंगे मई तक भी जितना हो जाए उस पर हमारा फोकस है लेकिन कुछ करंट अफेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइन तो वो हम 2021 से भी कुछ करंट अफेयर्स उठाएंगे इंडिविजुअली आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि दो साल के करंट अफेयर कर सको लेकिन एज ए फैकल्टी हमारे लिए पॉसिबल है क्योंकि हम इसको डेली बेसिस पे कर रहे हैं सालों से करते आ रहे हैं तो कुछ ऐसे करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट होंगे विल बी पुटिंग दोज़ करंट अफेयर इन दिस कोर्स ईयर बेसिक फोकस हमारा रहेगा जनवरी 2022 से अप्रैल और मई तक 2023 तक क्योंकि अभी तो आपका बजट आएगा डेफिनेटली अभी आपके तो इकोनॉमी में वो करंट अफेयर ऐड होंगे अभी हम इन्वायरमेंट कर रहे हैं फिर इकोनॉमी पे आएंगे फिर साइंस एंड टेक पे आएंगे इस तरह से चलेगा तो ये ब्लैक नेक्ट क्रेन हो गया केवल और केवल लद्दाख में लद्दाख के चांगथांग रीजन में ही ये मिल रहा है और इसको वल्नरेबल वैसे नॉर्थ रिटर्न विकीपीडिया पे नॉर्थ रिटर्न दिया हुआ है लेकिन ये जो आर्टिकल है जहाँ तक है तो या तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से होगा तो ये ऑथेंटिक हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे अपडेटेड होगी इंफॉर्मेशन तो ये कह रहा है ये वल्नरेबल कैटेगरी में तो आई यू की वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है ये आप ध्यान रख लेना सो दिस इज द थिंक नो no लेपर्ड को वल्नरेबल में प्लेस कर रहा है देखो इसके अंदर ब्लैक नेक्ड जो क्रेन है इसका आई स्टेटस क्या है ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लो आई की वेबसाइट पर ही कर लेना या तो अभी अगर कुछ बच्चे आप कर सकते हो तो बता दो या फिर मैं कल क्रॉस चेक करके बताऊँ विकीपीडिया पे नॉट थ्री दिया हुआ है तो ये नॉट थ्री पे ही है या वल्नरेबल है इसको एक बार क्रॉस चेक करिए और आई की वेबसाइट पे क्रॉस चेक करने के लिए बायोलॉजिकल नेम इसके काम में आते हैं सो यू हैव दिस ब्लैक नेक्ड क्रेन तो इसका ये बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है जी आर यू एस ग्रूस निक्रीकोलिस है ना बायोलॉजिकल नाम डाल के ही करना अदरवाइज वो फिर वो करता है तो इसको एक बार क्रॉस चेक करना बाकी स्नो लेपर्ड का तो वल्नरेबल ही दिखा रहा है ठीक है ना स्नो लेपर्ड का तो वलनरेबल ही आपका प्लेस कर रहा है आई तो ये तो हो गया ब्लैक नेक्ड क्रेन अब हम आ जाते हैं डेफिनेटली आई यू सी एम के वेलरेबल इसमें साइड्स के अपेंडिक्स वन में है मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे रखा है इसके किसी भी जो बॉडी पार्ट है उससे रिलेटेड जो ट्रेड हो रहा है है ना उसके रेगुलेशन के लिए इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी मैक्सिमम प्रोटेक्शन है शेड्यूल वन तो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है टाइगर हो गया लॉयन हो गया है ना आ, या सुना लेपर्ड है लेपर्ड है तो इनको मैक्सिमम प्रोटेक्शन शेड्यूल वन के अंतर्गत मिलेगा जैसे जैसे नीचे जाएंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक तरह का कानून है है ना जो क्या कर रहा है प्लांट स्पीशीज़ को या फिर एनिमल स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन देता है और शेड्यूल वन में मैक्सिमम प्रोटेक्शन है शेड्यूल टू में कम होगा थ्री में कम है फोर में कम है फाइव में जो एनिमल्स हैं उनको वर्मिन कहा गया है वर्मिन मतलब उनको परमिशन से हंट कर लो जैसे डीसस मंकी हो गया कहीं पे नील गाय हो गया उनको यहाँ पे शेड्यूल फाइव में रखा है और इसी का जो शेड्यूल सिक्स है उसके अंदर प्लांट्स हैं तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको परमिशन से कल्टिवेट कर सकते हो क्वेश्चन भी यूपीएससी ने प्रॉब्लम्स में पूछ रखा है कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज के अंदर भी इसको लिस्ट किया गया है हाइएस्ट कंजर्वेशन स्टेटस इसको दे रखा है अब इसमें इसका जो हैबिटेट है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है इंडिया में देखोगे तो कहां कहां मिल रहा है जो भी हिमालयन स्टेट है इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वहां पे मिल रहा है तो इधर देखोगे तो जम्मू कश्मीर आ गया लद्दाख आ गया है ना नीचे हिमाचल है उत्तराखंड है फिर आगे जाएंगे सिक्किम है अरुणाचल प्रदेश सब जगह पे यहाँ मिल रहा है तो इसमें तो रटने की जरूरत नहीं है कहाँ मिल रहा है क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप आप देखोगे इस तरीके से है ना ये जा रहा है और ये है तो ये तो नेपाल यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे उत्तराखंड है हिमाचल है ये लद्दाख है कश्मीर है ठीक है ये सिक्किम और अरुणाचल हो गया तो इसमें तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कौन कौन से देशों में मिल रहा है ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना तो लगभग ट्वेल्व ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे मिलता है और इसको याद इस तरीके से रखना कि एलिमिनेट करके आंसर क्लिक कर दो क्योंकि अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाएगा तो ये चीज़ें पूछ सकता है तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है इंडिया और आसपास के नेबर देश तो हो जाएंगे जैसे इंडिया हो गया भूटान नेपाल आ जाएगा ठीक है पाकिस्तान है अफगानिस्तान है चाइना है ये सब तो आएंगे ही आएंगे तो इंडिया नेपाल भूटान चाइना ये सब तो आ रहा है मंगोलिया रशिया ओके कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान ये थोड़ा सा याद रख लेना है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करके कुछ भी करके इसको याद रखना ताकि एलिमिनेट करके ऑप्शन को टिक कर सको पी डी एफ कहाँ पर मिलेगा पी डी एफ मैंने शुरू में ही बता दिया जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपका मिलेगा यू पी एस सी राहुल भारद्वाज ये पूरा नाम लिख लेना यू पी एस सी राहुल भारद्वाज ये नाम डाल के आप सर्च कर लेना सो विल गेट दिस टेलीग्राम चैनल मेक श्योर दैट यू आर इन टच विद दिस टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आते हैं एक वर्ज सरप्राइज टू मिस दिस तो इसको भी हम ले, ले लेते हैं ये मिस केरला की यहाँ पे बात हो रही है और ये क्या है ये एक तरह की फिश है क्लियर इसकी चर्चा क्यों रही ये जो फिश है आप देखोगे एक्वेरियम्स वगैरह में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इसको यहाँ पे शेड्यूल वन के अंदर आपका मेंशन कर दिया गया जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल वन के अंदर इसको इंक्लूड करने की बात थी इसलिए यहाँ पे आपका मेंशन हुआ इन एंडेंजर्ड लिस्ट इसको एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर और शेड्यूल वन के अंदर जो प्रोटेक्शन है वो देने की यहाँ पे बात की थी हैज बीन इंक्लूडेड इन शेड्यूल वन ऑफ दिस अमेंडमेंट बिल तो मिस केरला ये एक तरह की आपकी क्या है फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज है सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हो गया कि ये फ्रेश वाटर है या फिर आपके जो है ओशन साल्ट वाटर के अंदर आपका मिल रहा है तो फ्रेश वाटर हो गई डेनिसन बार्ब इसका नाम है ये डेनिसन बार्ब नाम याद रखना पड़ेगा केरल के अंदर मिल रही है इन सम पार्ट ऑफ द कर्नाटक में भी वहाँ पे मिल रही है चर्चा में इसलिए था कि इसको शेड्यूल वन में मेंशन कर दिया है लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी कि ये जो फ़िश है एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि तो आप देखोगे ऑर्नामेंटल पर्पस मतलब एक्वेरियम वगैरह में इस फिश को आ, रखा जाता है इंडिया का जितना एक्सपोर्ट है लगभग फिफ्टी सिक्सटी परसेंट अकेला ये रेस्पॉन्सिबल है ऑर्नामेंटल पर्पस के हिसाब से एक्वेरियम वगैरह के लिए तो अगर इसको शेड्यूल वन में आप रख दोगे तो लोग कैसे फिर इस फिश को कैच करेंगे और वो सब चीज़ें तो इसको लेके काफ़ी इशू हुआ था सयाद्रिया डेनिसोनी सहयाद्री वेस्टर्न घाट को कहते हैं तो ये इसका साइंटिफिक नेम है स्पीशीज इज नॉन टू इनहेबिट फास्ट फ्लोइंग हिल स्ट्रीम्स ओपन फाउंड इन द रोकी पुल्स थिक वे रिवर बैंक ठीक है इसका भी जो है यही हो रहा है कि हैबिटेट डिग्रेडेशन है ह्यूमन इंटरफेरेंस है उसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन जो है उस उसपे थ्रीट देखने को मिल रही है ऑर्नामेंटल फिश ट्रेड उसकी वजह से इसको जाना जाता है नेक्स्ट आते हैं थ्री स्पाइंड इस, स्टिकल बैक थ्री स्पाइंड स्टिकल बैक ये कहाँ पे मिल रही है कहाँ नहीं मिल रही है ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि एक स्टडी हुई और स्टडी करके इन्होंने ये पाया कि ये काफी मतलब एक्सट्रीम uh, से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकता है है ना ये जो फिश है ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्ट कर सकता है और ये जो फिश है दिस इज नेटिव टू मोस्ट इनलैंड एंड कोस्टल वाटर्स नॉर्थ ऑफ थर्टी डिग्री थर्टी डिग्री नॉर्थ तो अगर हम इस तरह से देखें ये इक्वेटर होता है जीरो डिग्री पे फिर ट्वेंटी एंड हाफ ट्वेंटी एंड हाफ ठीक है नॉर्थ में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया इधर ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन हो जाएगा तो ऊपर इससे ऊपर जाएंगे थर्टी डिग्री नॉर्थ तो नॉर्थ ऑफ थर्टी डिग्री वहां पे ये जनरली हमें देखने को मिल रहा है तो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन एटसेट्रा एटसेट्रा एनाड्रोमस ये होती है ये देख लो एनाड्रोमस का मतलब हो गया कि ज़्यादातर सॉल्ट वाटर में रहेंगी लेकिन ब्रीड करने के लिए फ्रेश वाटर इनको चाहिए मतलब ब्रीडिंग करने के लिए इनको कम सेलिनिटी वाला है ना वाटर इनको चाहिए जहाँ पे सेलिनिटी कम होगी तो फ्रेश वाटर में सेलिनिटी कम होती है फिर क्या होता है सॉल्ट वाटर में सेलिनिटी बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच का है ना एक मिडिल पॉइंट अगर हम कहें तो वो ब्रैकिश वाटर होता है तो ब्रैकिश वाटर में भी मिल जाता है जनरली जो एक्चूरीज़ होती हैं जहाँ पर जो नदी है क्लियर वो सी से मिल रही है वो वाले जो पॉइंट्स हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस को ये अडेप्ट कर सकती हैं और इसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर आपका बनी हुई थी तो कहाँ मिल रही हैं और क्यों आ, इनके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक ये ध्यान रखो गोल्डन लंगूर अगेन हैबिटेट इम्पोर्टेंट कहाँ मिल रहा है क्या वेस्टर्न घाट में मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा है तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली जो वेस्टर्न आसाम है वहाँ पे आपका मिलता है एंड इन सम पार्ट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल इसको गीज गोल्डन लंगूर भी कहते हैं और भूटान में भी जनरली मिलता है लीफ मंकी भी इनको कहते हैं ना लीफ मंकी भी कहते हैं और फुटिल्स ऑफ द ब्लैक माउंटेंस ऑफ द भूटान और जनरली क्या है रेस्ट्रिक्टेड काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है उस एरिया के अंदर ये हमें देखने को मिलेंगे इनको सेपरेट भी कंसिडर किया जाता है ट्रीज़ के ऊपर अपना जीवन निर्वाह ये कर रहे हैं डिपेंडेंट हैं एंडेंजर्ड है फाइन आई यू सी एम की कैटेगरी में इंडेंजर्ड है मतलब थ्री हो गया थ्री स्पीशीज हो गया कोई भी जो स्पीशीज़ है वो या तो वल्नरेबल है या इंडेंजर्ड है ठीक है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है किसी भी कैटेगरी में आ रही है तो उसको हम थ्री स्पीशीज ही मानेंगे कि उसके एग्जिस्टेंस पे थ्रीट है सबसे ज़्यादा थ्रीट क्रिटिकली एंडेंजर में है उससे कम एंडेंजर और उससे कम वल्नरेबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में है तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसको हमने दे दिया ठीक है ये कुछ एरिया बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे एरिया मिल रहा है कुछ पार्ट है त्रिपुरा वहाँ पे भी मिल रहा है एंड डेफिनेटली सम पार्ट ऑफ द भूटान एंड असाम इज ऑल्सो देर तो ये एरिया इन्होंने डिफाइन किया हुआ है नेक्स्ट है स्नेक ईल तो स्नेक ईल क्यों चर्चा में है क्योंकि उड़ीसा के अंदर एक इसकी नई स्पीशीज़ जो है उसको खोजा गया था एक नई स्पीशीज़ को खोजा गया था और इसका नाम है इंडियन फ्रिंज लिप ईल और ये इसका बायोलॉजिकल नेम है नो नीड टू मग दस सर्कमेना इंडिका तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है स्नेक ईल जो है ये कोई शाप नहीं है मतलब स्नेक नहीं है ये क्या है फिश है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यही है ये क्या है फिश है आपको लगेगा इतने इजी क्वेश्चन भी पूछ रहा है बिल्कुल पूछ रहा है आपको कुछ नाम देगा और उसमें पूछ लेगा कि अच्छा ये क्या बर्ड्स हैं क्या हैं क्या नहीं है या इंडिया में मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आपके पुट किए जाते हैं सिंस ये नई स्पीशीज़ बनी है कहाँ मिल रही है डिस्कवर की गई है उड़ीसा वेस्ट बंगाल रीजन में और ये क्या एक है एक फैमिली ऑफ फ़िश है ट्रॉपिकल टू वार्म टेम्परेट वाटर्स में मिल रही है क्लियर सो दिस मच यू शुड नो गोदावरी एस्टूरियन सिस्टम जो है यहाँ पे गोदावरी आपके बे ऑफ बंगाल में जा रही है उसके आसपास एरिया में भी आपकी मिल रही है मोरिंगा ओलीफेरा मोरिंगा ओलीफेरा लास्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट था और इम्पॉटेंट क्यों है क्योंकि भारत सरकार इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट चाहती है मोरिंगा ओलीफेरा जिसको ड्रम स्टिक भी कहते हैं या सहजन कहते हैं आपने सब्जी खाई होगी देखा होगा यूज़ किया होगा है ना काफी काफ़ी न्यूट्रिशियस ये होता है तो इसको ड्रम स्टिक भी कहते हैं ड्रम स्टिक ट्री या मोरिंगा कहते हैं और गवर्नमेंट ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है फाइन गवर्नमेंट चाहती है कि मोरिंगा का जो पाउडर फॉर्म है उसकी ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा डिमांड है तो हमारे जो फार्मर्स हैं इसको कल्टिवेट करके ठीक है उस डिमांड को मीट कर सकते हैं अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं उस उद्देश्य के माध्यम से और इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है अगर आप देखोगे जैसे ये वाटर प्योरीफिकेशन में यूज़ आ रहा है हर्बल मेडिसिन के रूप में यूज़ आ रहा है वेजिटेबल खाना सब्जी भी इसकी बनती है हालांकि बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है बनाना थोड़ा आ, डिफिकल्ट है पी डी एफ मिलेगा ये बता दिया था मैंने आपको मोरिंगा लीफ पाउडर मोरिंगा ऑयल इन सब की डिमांड है फूड फोर्टिफिकेशन में काम आता है फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है फोर्टिफिकेशन का मतलब हो गया कि आप जो फूड है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू को कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी मान लीजिए कोई आटा है फ्लोर है आटा है तो उसके अंदर आपने ये मोरिंगा का पाउडर मिक्स कर दिया तो वो न्यूट्रिएंट्स वहां पे हो गए एक होता है फोर्टिफिकेशन ये फोर्टिफिकेशन से अलग होगा फोर्टिफिकेशन बायो फोर्टिफिकेशन में क्या होगा आप ऑलरेडी बायोलॉजिकली ही वो प्लांट वो न्यूट्रिएंट्स लेके चल रहा है एडिशनल न्यूट्रिएंट ऊपर से ऐड करने की जरूरत नहीं है तो इसको फूड फोर्टिफिकेशन में यूज हो रहा है वेल रिसीव्ड अमंग द ग्लोबल कंज्यूमर्स इसके न्यूट्रिशनल मेडिसिन क्यूलिनरी यूज काफी ज़्यादा है और इस तरह से चल रहा है अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हर जगह पे है फास्ट ग्रोइंग है ड्रॉट रजिस्टेंट भी है तो अच्छा है कहीं पे लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है तो वहां पे भी हम इसको लगा सकते हैं काफी बड़ा सा पेड़ होता है सो फॉर ना दिस इज़ ऑल आज का ये जो सेशन है इसमें यह टॉपिक्स हमने कर रहे हैं इन सिमिलर फैशन विल बी टेकिंग द टॉपिक्स और ये जो क्लास है कल भी आपकी तीन बजे रहेगी कल भी तीन बजे ये क्लास होगी इसके अलावा मॉर्निंग के अंदर डेली सुबह सात से साढ़े सात के बीच में हमारी एक डेली न्यूज़ अनालिस की क्लास होती है जो डेली करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं तो उसमें प्री और मेन्स के परस्पेक्टिव से दोनों करंट अफेयर यहाँ पर कवर हो रहे हैं जो सुबह सात बजे होती है तो अभी क्या होगा आपका शेड्यूल क्या रहेगा यूट्यूब पे मतलब लेट्स क्रैक चैनल पे इसी चैनल पे एक क्लास जाएगी सुबह सात बजे वाली एक क्लास ये रहेगी दोपहर में तीन बजे इसके अलावा शाम को चार बजे हम एक क्लास रख रहे हैं जिसमें हम इंडियन इकनॉमी पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स के परस्पेक्टिव से काइंड ऑफ क्रैश कोर्स यू कैन से इंडियन इकनॉमी पूरा वहाँ पर कवर कर रहे हैं तो इंडियन इकनॉमी अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस क्रैश कोर्स थिंक यूर ये टेलीग्राम चैनल है लिंक भी यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे आपको सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा और कोई डाउट है कुछ भी है उसके रिगार्डिंग मेक श्योर यू आर कनेक्टेड विद दिस टेलीग्राम ग्रुप नहीं एनवायरमेंट ख़त्म नहीं हुआ है एनवायरमेंट ख़त्म नहीं हो गया है जनरली हमने जनवरी दो के करंट अफेयर्स को सॉरी बाईस के करंट अफेयर को टारगेट किया है तो इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर जनवरी दो वाले तो इसी तरह से एनवायरमेंट को हम लेंगे अराउंड एट टू टेन सेशंस विल बी देयर ऑन एनवायरमेंट क्योंकि एनवायरमेंट इकोनॉमी uh, और साइंस एंड टेक ये तीन मेजर टॉपिक्स हैं जो चैलेंजिंग भी होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है करंट अफेयर के हिसाब से फिर पॉलिटी आई भी है लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये ये रहते हैं इकोनॉमी एनवायरमेंट साइंस एंड टेक क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन भी आ रहा है तो कवरेज आपको काफ़ी वाइड रखना है ठीक है सो दिस इज ऑल हियर एंड इसके अलावा अनकेडमी से आप जुड़ सकते हो अगर आप यू की तैयारी कर रहे हो तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर तो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ करना है प्लान चूज़ करने के बाद आप कोड पुट करेंगे यूनिट पुट द स्कोड आर बी एल आई वी तो ये कोड पुट करने के बाद आपका जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा एंड द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस कोड यू विल बी गेटिंग द पर्सनल गाइडेंस है ना कोई भी इशू रहता है वो आपको गाइडेंस मिल जाएगा बारह जनवरी से नए बैचेज अभी स्टार्ट हुए हैं यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज बैच कोर्सेज टू कम्प्लीट द सिलेबस आइकॉनिक में कुछ एडेड एडवांटेज है लाइव मेंटरशिप वगैरह के लिए उसके लिए भी जा सकते हैं जीरो परसेंट ई एम आई ऑप्शन आपको मिलता है केवल टेस्ट सीरीज लेनी है प्रब्लम्स के लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस भी करें क्योंकि प्रैक्टिस से एप्टीट्यूड डेवलप होता है आपको आता है फिर भी गलत हो गया तो वो चीज़ ना हो या आपको नहीं आ रहा है फिर भी कैसे कर सकते हो एलिमिनेशन एट्सट्रा वो चीज़ डेवलप हो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही एक अच्छा एफिशिएंट वे है कि आप टेस्ट सीरीज के लिए जा सकते हैं छः महीने के अंदर आपको फिफ्टी फाइव के आसपास टेस्ट मिल रहे हैं वन ट्रिपल नाइन शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस यूज़ द कोड आर बी लाइव टू गेट दिस डिस्काउंट्स ईयर ओल्ड राजेंद्र नगर में ऑफलाइन सेंटर ओपन हुआ है आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं और इंटरव्यू गाइडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिस इज़ ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन के इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब द लेट्स क्रैक यू पी एस सी चैनल टू गेट द एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स अब किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ लो डू यू हैव एनी डाउट इकोनॉमिक्स की क्लास है तो बिल्कुल प्री दो हजार तेईस के लिए तो है ही एक तरह से जैसे हम कहते हैं ना पनाशिया या रामबाण मान लो कम समय के अंदर पूरा आपको सब कुछ मिल रहा है या डेफिनेटली तो वो चार बजे होपफुली विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो में आई विल बी शेयरिंग द लिंक एंड अपडेट्स हाँ ऑफलाइन भी आपका अवेलेबल रहेगा ठीक है।, है तो जिन बच्चों को सेशन हेल्पफुल लगा है प्लीज़ डू शेयर दिस सेशन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके आ, काफ़ी uh, मतलब ये एक ऐसा कोर्स है जिसको काफ़ी uh, इंतजार बच्चों को रहता है बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ अफर्ट रिक्वायर्ड इन दिस और सारी चीज़ें एक जगह पे आपको मिल जाती हैं किस तरह से पढ़ना है वो अप्रोच आपको पता चल जाता है तो ठीक है दिस इज़ ऑल अ ग्रेट डे गाइज